स्टूडेंट्स, दिस इज द न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स हैव थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स, अबाउट एडजेक्टिव्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन माय प्रीवियस वीडियो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरिजन इज मेड। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। वी यूज सिंगल एडजेक्टिव, इसमें हम सिंगल एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरला इज अ टॉल गर्ल। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ सरला। सरला की हम कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे हैं, तो हम ये पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू पर्संस और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन है वो दो पर्संस या दो चीजों के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिचा इज टॉलर देन सरला। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो रिचा और सरला के बीच में हो रहा है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे एडजेक्टिव की। थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। इन सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन इज मेड मोर देन टू पर्संस और थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन होता है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के या चीजों के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। नेहा का कंपैरिजन इन तीनों के साथ, इन तीनों में हो रहा है, और इन तीनों में क्या है, नेहा सबसे लंबी है। सो वी यूज थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टू मेक कंपैरिजन पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री वी यूज द सिंगल एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री मोस्टली वी यूज ER in the adjective by using ER, and superlative we use EST to make it superlative. See this example: small, smaller, smallest. Small हो गया positive, ER लगा दिया small में तो बन गया comparative, and EST लगाने पर बन जाता है superlative. इसी तरह से second example है tall, taller, tallest. Great, greater, greatest. Fast, faster, fastest. अब देखिए, जितनी भी comparative degree या superlative है, इनमें हमने क्या लगाया है, ER comparative में और superlative में EST. Another rule is, if adjective ends in E, अगर किसी adjective के end में E आता है तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए वी एड आर, और टू मेक सुपरलेटिव वी यूज एसटी। अगर हमें किसी एडजेक्टिव के एंड में ई आ रहा है, हमें उसे कंपैरेटिव बनाना है, तो हम सिर्फ आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाना है तो एसटी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए पॉजिटिव है लार्ज, इसके लार्ज के एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब हमें इसे कंपैरेटिव बनाना है, हम क्या लगा देंगे, आर। सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी। अनदर एग्जांपल इज ब्रेव। ब्रेव में भी देखिए एंड में ई आ रहा है, कंपैरेटिव बनाने के लिए आर लगाएंगे, ब्रेवर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एसटी, ब्रेव। अनदर रूल ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इज, इफ एन एडजेक्टिव एंड इन अ कंसोनेंट एंड प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, वी डबल द कंसोनेंट एंड एड ER and EST to make comparative or superlative. अगर कोई adjective consonant पे end होता है, जैसे ये example दिया है fit, इसमें क्या है T, T क्या है consonant, consonant पे end होता है और उससे पहले vowel होता है, तो जो last में consonant होता है उसको हम double कर देते हैं। जैसे fitter, उस कॉन्सोनेंट को डबल
को और कंपैरेटिव बनाने के लिए ई एफ लगा दिया, बन गया फिटर। इसी तरह से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में भी वो टी डबल हो जाएगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इसमें ई एस टी और जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हॉट। हॉट में एंड में टी है और उससे पहले ओ है, वॉवल। तो हम क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे हॉट और ई आर लगा देंगे हॉटर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगा देंगे हॉटेस्ट। सो दिस इज द अनदर रूल टू मेक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नेक्स्ट रूल इज इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में वाई आता है, चेंज इट टू आई। तो वाई को हम चेंज कर देंगे आई में और कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पी एंड हो रहा है वाई से, तो वाई को हटाकर आई लगाएंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर, तो बन गया हैप्पियर। सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी, हैप्पीएस्ट। फनी, फनी में भी वाई आ रहा है एंड में, तो वाई हटाकर क्या लगाएंगे, आई, और कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर, फनियर। फनीएस्ट बनाने के लिए आई, वाई हटाकर आई, ई एस टी लगा देंगे, फनीएस्ट। नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव्स व्हिच हैव टू और मोर सिलेबल्स बी यूज मोर एंड मोस्ट टू मेक देम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर किसी एडजेक्टिव में टू या टू से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं जिसमें वोवल का साउंड आता है, उसे बोलते हैं सिलेबल्स। तो वहां पे हम उस एडजेक्टिव में कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखिए इसमें वोवल साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोर देन टू वोवल्स है, तो मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट रूल इज सम एडजेक्टिव्स हैव इररेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स व्हिच यू नीड टू लर्न। फॉर एग्जांपल गुड, इनकी क्या होती है, इररेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। गुड की क्या होगी, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह से लिटिल, लेस, लीस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इज बैड, बर्स, बस्ट। सो दीज आर द रूल्स ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपैरेटिव डिग्री इज यूजली फॉलोड बाय देन। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिचा इज टॉलर देन सरला। देखिए टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उससे पहले हम देन का यूज करेंगे। इसी तरह से जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेहा इज द टॉलेस्ट इन द थ्री। देखिए द, अब सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। सो दीज आर द रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, दैट वी ऑलवेज यूज देन बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एंड वी यूज आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो दैट्स ऑल अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन।